मनोज तिवारी, रवि किशन और खेसारी लाल यादव के बाद अब एक और बड़े सुपरस्टार राजनीति में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पवन सिंह की। पवन सिंह से जब ये सवाल किया गया कि क्या आप राजनीति में आ सकते हैं, क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर पवन सिंह ने साफ साफ जवाब दिया कि अगर उन्हें टिकट मिलता है और अगर कोई बोलता है चुनाव लड़ने के लिए तो वो जरूर लड़ेंगे। भोजपुरी सिनेमा जगत के कई बड़े स्टार जो इन दिनों राजनीतिक की दुनिया में सक्रिय हैं, इनमें मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव यानी कि खेसारी लाल मुख्य हैं। भोजपुरी सिनेमा के जरिए इन सितारों ने फैंस के दिलों पर राज किया। जब वे राजनीति में उतरे तो वहां भी लोगों ने उन्हें उतना ही प्यार दिया है, उतना ही प्यार मिला है और आज ये सभी फिल्में तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों से जुड़कर लोगों के मुद्दे भी उठा रहे हैं। अब भोजपुरी के एक और स्टार ने राजनीति में कदम रखने की ओर इशारा किया है। फैंस अगर इस स्टार का नाम जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि और कोई नहीं पवन सिंह है। दरअसल हाल ही में पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने अपनी 5 फिल्मों का एक साथ ऐलान किया। पवन सिंह के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं, उनकी फिल्में बम्पर कमाई करती हैं, निर्माताओं को उन पर पैसा लगाना कोई जोखिम भरा काम नहीं लगता। एक इवेंट का आयोजन करने वो आए थे और इसमें उन्होंने अपनी फिल्मों की घोषणा की थी। इस दौरान जब पवन सिंह से राजनीति में आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने मन की बात जाहिर की। पवन सिंह की जो 5 फिल्में आने वाली हैं उनमें से एक का नाम योगी है। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरित है, तो पवन सिंह ने कहा अभी सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि नाम सेलेक्ट किया है, उनकी कहानी क्या होगी इस पर अभी हम आगे वर्कआउट करेंगे। पवन सिंह से राजनीति में आने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग चुनाव लड़ा देंगे तो वो भी लड़ लेंगे, मेरे दर्शकों ने मुझे गायक बनाया, गायक से नायक बना दिया, अगला जो भी बनाए बनूंगा दर्शकों के लिए ही बनूंगा, जो भी पद मिलेगा हर कुर्सी पर आदमी बैठेगा लेकिन काम को नहीं छोड़ सकता क्योंकि काम ही प्यार है और काम ही हमारे लिए भगवान है। वहीं उन्होंने बताया कि आदमी कहीं भी बैठेगा वो अपनी सिंगिंग और एक्टिंग के दम पर बैठेगा। इस साल अप्रैल में पवन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी। भाजपा नेताओं के साथ पवन सिंह की तस्वीरें भी आई थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो आरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें मौका मिला तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। तो जहां एक तरह भोजपुरी के दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव हो, मनोज तिवारी हो या फिर अन्य कलाकार हो, राजनीति में अपना पैर जमा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह से जब यह सवाल किया गया कि क्या आप भी राजनीति में अपना पैर जमाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि जो आज तक मैं बना हूं, पहले मैं गायक था, उसके बाद मैं नायक बना, और अगर दर्शक मुझे प्यार करते हैं और दर्शक अगर चाहेंगे तो मैं चुनाव भी लड़ने को तैयार हूं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।